इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप देश के पत्रकार होकर आप ये तो कभी सवाल नहीं करते कि अरुणाचल प्रदेश पर जो बैठा हुआ है चाइना वो क्यों बैठा हुआ है, देश का किसान यहाँ पर, आपने ये नहीं पूछा कि 200 से ज्यादा उस भाषण जीवी से पूछिए, उस बेचू जीवी से पूछिए। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोए, के बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोए, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझाता लीडर वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। इन्हों की टीम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक कलाकार इनका उत्तर प्रदेश वाला है, तो एक कलाकार इनका ऐसा है कि वो बहुत ही तगड़ा कलाकार है, नाम बदलने वाला कलाकार। आप जाइए एक बार मिलके आइए उनसे, उनका तो बस नहीं चलता। उनसे कभी मत प्रश्न कर लेना कि योगी जी विकास नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में, वो इतना तेज आदमी है कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम विकास ही धर देगा। आपके विकास देखने के चक्कर में मोहल्ले में क्षेत्र में इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका विकास आज तक नहीं मिला। कहाँ है आपका विकास? आपका काम सिर्फ ये है देश के किसानों को प्रताड़ित करना, उनको शोषित करना, देश के किसानों को परेशान करना और लाखों करोड़ों रुपया बहा देना सिर्फ नाम बदलने में। ये आदमी सिर्फ नाम बदलने में बहा देता है। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है, इतने में तो नई संपत्ति बन जाती सरकारी संपत्ति, लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास है। तो आपका भी तो नाम बदल गया है, है? पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम, है? आप ही तो दलाली कर रहे हैं, तो आपका भी तो नाम बदला है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया? जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया तो उसमें आपको क्या आपत्ति है, ये बताइए ना? कोई आपत्ति है आपको इससे? परेशानी को क्या, मैंने इनको क्या कह दिया भैया? ऐसा जो परेशानी हो गई, आपने कहा कि अच्छा काम करें, जब आप सरकार की वकालत करेंगी तो प्रश्न का जवाब भी तो देना पड़ेगा। मतलब नहीं नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, आप प्रश्न कर रहे हैं ठीक है और मैं कह दूं जी योगी जी ठीक कर रहे हैं तो आप शांत हो गई, तो आप सुनिए। अरे सुनिए, मैं मोहित जी सुन रहे हैं, मोहित जी आप ही की सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आपकी सुनने का कोई फायदा नहीं है। आपकी और एक वो 24 घंटे आ जाता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। यही गड़बड़ है देश के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। आपने टीआरपी स्कैम घोटाला नहीं सुना था क्या? तो आप कह रही हैं, आप तो ऐसे कह रही जैसे मेरे घर में सर्टिफिकेट छप रहे थे, मैंने अर्णब गोस्वामी को पकड़ाया, इधर आ रहे सर्टिफिकेट पकड़। कोई एक्शन होता तो आगे की प्रक्रिया होती। आप एक बात मुझे बताइए, आप देश के किसान को जो देश की सरकार खालिस्तानी पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रही है, आप में से एक भाई एक पत्रकार जरा आगे आइए अपना कैमरा छोड़कर, आज मैं आपको समाधानी करा दूं आपकी सारी मनसा का। एक आइए, अरे आइए ना, अरे देखिए सुनिए, आप लोगों का सहयोग और साथ है, लेकिन आप लोगों के सहयोग और साथ के जरिए उन देश के तमाम लोगों को मैसेज और संदेश देना हमारा कार्य है जो देश के किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी और आतंकवादी कहने। ये मेरे देश का किसान है, ये मेरे देश का किसान है जिसे आतंकवादी खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जाता है। इसके लिए अगर हथियार है तो इसका हल है, जिसको चलाता है और मेहनत मजदूरी कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के पेट भरने का काम मेरे देश का किसान करता है और छाती चौड़ी करके कहता है कि मैं देश का किसान हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि देश की सोशल मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिक चुकी है उनके ऊपर हमारा सीधा प्रहार है। वो लोग जिन्होंने, हाँ वो लोग सुनिए, वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रहकर
देश की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, देश की सरकार की गुलामी करने में लग रहे हैं, उन लोगों को ये लोग इतनी, आप ये देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कितनी हालत उनकी खराब है कि वो चाइना को लेकर बात नहीं करते, देश के किसान को लेकर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर, वो प्रधानमंत्री जो 40 से ज्यादा किसान की शहादत हो जाती है तो नहीं बोलते, वो प्रधानमंत्री जब देश के अंदर 200 से ज्यादा जवान, हमारे देश के किसान भाई जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, उनको लेकर नहीं रोते, लेकिन गुलाम नबी आजाद को लेकर वो टसुए बहाने लगते हैं। तो मोदी जी ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए तो जरा देश को। ये मोदी नहीं है, मदारी है, और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। ये नौटंकीबाज आदमी है एक नंबर के। राकेश टिकैत जी तो एक बार रोए हैं। आपको पता है आपका भाषण जी भी कितनी बार रो चुका है? पहली बार रोया है क्या? पहली बार रोया है?